Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing revision for term 1 and the topic for today is differentiation, which is in continuation, right? We have done some part of differentiation and today we want to focus more. We'll be focusing on different type of questions, including the case study ones. Okay, so let's see, we have some questions here and let's quickly go through them. The derivative of sine square x with respect to, so differentiate a function with respect to another function, that is the type. क्या करना चाहिए? दो functions हैं, एक का नाम दे दो u, चलेगा? साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या बोला? u. दूसरे को बोलो v. क्या है ये? e raised to the power cos x. दोनों के दोनों कंपोजिट फंक्शंस हैं। हमें क्या बताना है? हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि du by dv कितना होगा। डिफरेंशिएट u with respect to v, ठीक है? तो पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि नहीं? हम लोगों ने पीछे पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रखा है और हमने वहां क्या देखा था कि du by dv को हम लोग कैसे डील करते थे? du by dx अपॉन dv by dx, that's all। बड़े प्यार से ऐसा काम आप लोग करते आ रहे हो, बहुत समय हो गया आपको ये करते हुए। नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कितना हो गया? कॉस एक्स, ठीक है। नीचे आपके पास ये कितना आ जाएगा? e की पावर cos x और cos x का कितना आ गया बच्चों? माइनस sin x। सो व्हाट शुड बी द आंसर? दिस इज ट्वाइस ऑफ sin x cos x ओवर e रेज टू द पावर cos x माइनस sin x। माइनस sin x को क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए? ऊपर आ रहा है 2 cos x और नीचे आ रहा है माइनस e की पावर cos x। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है? आई थिंक ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो आई होप ये आपका बहुत आसानी से आपको समझ में आता है। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। अगर कोई परेशानी है प्लीज यूज द चैट बॉक्स, मुझे बताइए चैट बॉक्स यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। इसमें क्या बोल रहे हैं? dx बाय dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी क्यूब। ये भी क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म है, राइट। यहाँ u और v में पैरामीटर क्या था? x। यहाँ पैरामीटर क्या है? t। निकालना क्या है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या समझना है बेटा? यहाँ हमें ये समझना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? dy by dx करेंगे, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट ऑर्डर होगा तभी तो सेकेंड ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो dy by dt की तो हमें पता ही है क्या होता है। ऊपर लेंगे dy by dt और नीचे लेंगे dx by dt, जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है। तो dy by dt, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या बोल दूँ? 3t स्क्वायर बोलूँ क्या? बोलता हूँ ना। और dx by dt को क्या बोलूँ? ट्वाइस ऑफ t बोलता हूँ ना। तो ये t और t गया और ये कितना आ गया? 3t/2, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हो कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अभी कुछ दिन पहले एक ऑफलाइन बैच में बच्चा बोल रहा था कि सर नीचे डी एक्स और यहाँ भी डी एक्स है तो ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों हो जाए, क्यों नहीं होता है? ये डी एक्स स्क्वायर क्यों होता है? भाई यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इट इज अ डिनोशन, राइट, इट इज नॉट मॉडिफिकेशन, ठीक है। So it certainly is what? d square y over dx square. Please remember that. Don't get confused like that. So when you are differentiating with respect to t, है ना, मतलब t को differentiate करना है with respect to x, तो क्या होगा? इसको दो phase में हम लोग करते हैं, है ना। सबसे पहले तो t को differentiate कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3/2 रह जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? dt by dx, ठीक है। ये वाला स्टेप ध्यान रखना, अक्सर ये वाली चीज मिस हो जाती है। और ये dt by dx का क्या करें? dt by dx का हम यहाँ से कुछ करेंगे, है ना। यहाँ से हमें क्या पता है? यहाँ से हमें ये पता है कि dx by dt की वैल्यू ट्वाइस ऑफ t होगी। तो dt by dx कितना हो जाएगा? 1/2t, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 3/2 अपनी जगह पे है, dt by dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 1/2t, 1/2t। सो व्हाट इज द आंसर? इट इज 3/4t। ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है क्या 3/4t का? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतने आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आओ केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी, कोई और डाउट है तो बताना, ठीक है। यूज द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो। अब ये क्या है? अ पॉटर मेड अ मड वेसल वेयर द शेप ऑफ पॉट इज बेस्ड ऑन दिस। फंक्शन है मॉड का, ठीक है। वेयर एफएक्स रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ पॉट। एफएक्स क्या बताता है आपको? हाइट ऑफ पॉट बताता है, ये हाइट बताता है, ठीक है। नो प्रॉब्लम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्स ग्रेटर देन 4 होगा तो क्या होगा एंड सो ऑन। कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मॉडुलस को ओपन करना आना चाहिए, राइट। मॉडुलस को ओपन करना काफी इंपॉर्टेंट है ये, टर्म 1 के ख्याल से भी, टर्म 2 के ख्याल से, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस तो इंटीग्रेशन में भी आते हैं, राइट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली देखोगे जो बोर्ड में पूछे गए और अच्छे एग्जाम्स, दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो मैं मॉडुलस फंक्शन पर थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा, मैंने पहले भी कई बार इसको एम्फसाइज करा है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट है और सामने है तो एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपके पास 3 और 2 दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं जहाँ की डेफिनेशन चेंज होती है, ठीक है। मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ। 2 छोटा है लेफ्ट साइड पे, 3 बड़ा है राइट साइड पे, ठीक है। अब मैं एफएक्स पे फोकस करता हूँ, एफएक्स पे फोकस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 डेफिनेशन होगी, एक जब एक्स 2 से छोटा है, राइट, व्हेन एक्स इज लेस देन 2, सो व्हेन एक्स इज लेस देन 2 देन इट इज डेफिनेटली लेस देन 3 एज वेल। तो ये दोनों कैसे ओपन होंगे, नेगेटिव में। तो -x - 3 - x - 2 कितना हो जाएगा, -2x होगा, और माइनस माइनस ये क्या बनेगा मेरे पास, +5 बनेगा, ठीक है। आई होप यू गेट दैट, ओके फैंटास्टिक। अब मैं सोचूंगा कि x कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक, यानी x आपके पास 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ठीक है। तो अगर 2 से बड़ा है तो अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये ओपन होगा मेरे पास +x - 2 की तरह, लेकिन क्योंकि 3 से छोटा है तो दूसरी वाली चीज हमेशा कैसे ओपन होगी, अभी अभी तो ये नेगेटिव की तरह ही ओपन होगी। तो देखो कितना हो गया, -x और +x तो गया, बचा क्या, माइनस का -3 + 3 एंड -2, यानी कितना होगा, +1। 2 से लेके 3 तक एफएक्स कितना है, कॉन्स्टेंट है, इट इज 1, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। और जब ये 3 से बड़ा है तो क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, and in that case that would be equal to 2x - 5. This is the case when x is greater than equal to 3. Okay, तो आपने डिफाइन कर दिया, आप क्या ही पूछ रहे हैं बताओ। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। x is greater than 4, okay fantastic. When x is greater than 4, so what is it, जब x अगर 3 से बड़ा है तो 4 से ही बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 2x - 5, यानी कि सी ऑप्शन में मार्क करूंगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। will the slope vary with value of x? स्लोप क्या होता है, y = mx + c, या कह सकते हैं f' हमारे पास स्लोप होता है। तो क्या x की वैल्यू के साथ स्लोप वेरी कर रहा है, यस। जब 2 से छोटा है तो -2 स्लोप है, जब 2 से 3 के बीच में है तो स्लोप 0 है, बिकॉज f' विल गिव यू द स्लोप, ठीक है। और जब 3 से बड़ा है तो स्लोप कितना है, +2। तो क्या ये वेरी कर रहा है विद x? यस, नो, Do not say anything, none of the above. I will certainly say yes. कितने स्लोप्स हैं, 3 स्लोप्स हैं इसके, ठीक है ना। आई होप यू गेट दिस। मूविंग ऑन। ये यार वो डेफिनेशन अफेक्ट्स की जो हमने निकाली थी वो डेफिनेटली हमें चाहिए। इधर कितनी थी, इधर ये नेगेटिव थी, ये था -2x + 5, यहाँ पे 1 आया था और यहाँ पे 2x - 5 था। आई होप दिस वॉज इट, राइट। x was less than 2, x was lying between 2 and 3, and in this case x was greater than 3, right? I hope यही था हमारे पास। okay, देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं। what is df by dx, मतलब f' कहाँ पे, x = 3 पे। तो x = 3 पे क्या डेफिनेशन हो जाती है, > 3 होता है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2x, राइट। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे कह रहे हैं नॉट डिफरेंशिएबल, तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा। जैसे 3 पे अगर मैं LHD बोलूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज मैं 1 को डिफरेंशिएट करूँगा, क्या आएगा, 0। और 3 पे अगर मैं RHD बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई वुड से सी, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान से समझना, ऑप्शन को हमेशा सही तरीके से इवेल्युएट करना है और फिर ही क्वेश्चन को आपने मार्क करना है, सही आंसर को मार्क करना है, ठीक है। अगर मैं रैंडमली सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर देता तो मैं शायद 2 यानी कि ऑप्शन बोलता, बट देन वी नो दैट एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दे आर इक्वल। ऑलराइट, मूविंग ऑन। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 2 and 3, ओके दैट मींस दे आर टॉकिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, द सेकंड वन। ओके द फंक्शन इज व्हाट, द फंक्शन इज दिस, ठीक है। कोई टेंशन है बताओ, यूज द चैट बॉक्स, लेट मी नो। मूविंग ऑन, देखा जाए जरा और क्या अपने पास। इफ द पॉटर इज ट्राइंग टू मेक अ पॉट यूजिंग द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस, विल द पॉट गेट अ पॉट और नॉट। अच्छा भाई बड़ा जबरदस्त है यार, ट्वाइस ऑफ एक्स। अब देखो ये जो सिंबल है, अगर हालांकि एग्जाम में ये हमेशा मेंशन करना चाहिए कि ये क्या है। जनरली स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है जब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि विल ही गेट अ पॉट और नॉट। तो मैं ये बोलूंगा कि देखो ये हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, येस इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नो इट इज नॉट, येस बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ना गलत, नो बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नो, नो बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस। वो क्या मार्क करूंगा मैं, सर्टनली डी मार्क करूंगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होता है, डिस्कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। इसीलिए हमें इसका आंसर क्या देना चाहिए ना, इसको पॉट नहीं मिल पाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। दैट इज हाउ वी शुड बी डीलिंग विद दिस क्वेश्चन। लेट मी नो इफ इट इज फाइन टिल दिस पॉइंट। Okay, we have another case study. Let's quickly go through this. X is given as f of t. T certainly has to be some parameter. Y is g of t, the same parameter. Okay, dy by dx is dy by dt and into dt by dx. You understand it's dy by dt over dx by dt. ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे कुछ क्वेश्चंस किए थे. G dash t over f dash t. ठीक है, fantastic. कोई problem नहीं है, right? We understand that. Okay. Where f dash t is not equal to 0, ठीक है, that has to be true because अगर कभी डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये फंक्शन मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए f dash t should never be equal to 0. On the base of the above information answer the following questions. ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ग्रेड नहीं दे रखा, ये तो हम लोगों को किसी भी ठीक ठाक स्टूडेंट को सभी को ये सारी बातें पता होती है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। The derivative of f of cot x with respect to cosec x at this point is what? f dash 1 is this and g dash root 2 is 4. तो हमें बताना है कितना होगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि x is equal to pi by 4 पे हमारे पास f of cot x बताना है ना, क्या बताना है हमें, f of cot x with respect to g of cosec x, with respect to g of cosec x, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा, जब ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, चेन रूल से आएगा। सबसे पहले तो ऊपर आ जाएगा f डैश cot x, है कि नहीं, ठीक है, इनटू cot x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x। और नीचे ऐसे ही g cosec x को करूंगा तो g डैश cosec x, और cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है भाई। माइनस माइनस यहाँ से हटाओ, राइट, रिमूव इट, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स का कोसेक एक्स भी हटा दो, ठीक है। अब क्या पाई बाई 4 पे वैल्यू चाहिए, और पाई बाई 4 एफ डैश 1 यानी कि कॉट एक्स कितना होता है, पाई बाई 4 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 गिवन है आप, और कोसेक पाई बाई 4 यानी कि कोसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 का उल्टा यानी कि रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी डैश रूट 2 इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है यहाँ पे 4 है, अच्छा जी। और कॉट एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 4 पे हमारे पास कॉट कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर हमें क्या देना चाहिए था, ये अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो ये हमारे पास रूट 2 बाई 2 हो जाएगा। रूट 2 बाई 2 तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो क्या मार्क करना चाहिए आपको, ये ऑप्शन मार्क करना चाहिए। अच्छा सवाल है, राइट, पैरामीट्रिक फॉर्म का बोर्ड के हिसाब से एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है ये। ओके ओके भैया, आगे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। क्या बताया था मैंने, एक को u ले लो और दूसरे को v ले लो, और तुम्हें करना क्या पड़ेगा इसमें, du बाई dv करना पड़ेगा। तो du बाई dx करना पड़ेगा ऊपर, और dv बाई dx करना पड़ेगा नीचे। तो du by dx कितना हो गया बच्चों, du by dx हो गया तुम्हारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv by dx कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग, इट इज माइनस 1। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर एक्स क्यूब। ओके, यहाँ पे यू कितना है, लॉग एक्स है, ठीक है, और v कितना है, e की पावर x क्यूब है। हमें क्या चाहिए, du बाई डी वी चाहिए। बहुत बढ़िया, log x का कितना हो गया मेरे लाल, 1 बाई एक्स, और e की पावर x क्यूब का कितना हो गया, e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का कितना हो जाता है 3x स्क्वायर। खत्म काम। तो कितना आ गया बताओ, ये हमारे पास आना चाहिए 1/3x³ e की पावर x क्यूब। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई एम श्योर यू आर फाइंडिंग ऑल दिस इजी एंड यू विल बी एबल टू डू इट इन योर एग्जाम। ओके, लेट्स दिस वन, डिफरेंशिएट cos इनवर्स 2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर तुम प्रॉपर्टी को यूज करो तो कितनी अच्छी बात रहेगी। u कितना है, u है तुम्हारे पास cos इनवर्स 2x² - 1। ठीक है, और v कितना है भाई, cos इनवर्स x। तो करना तो वही है, क्या वही जो हमेशा करते हैं, du बाई डी वी, लेकिन यहाँ थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद है कि cos इनवर्स 2x² - 1 कुछ और नहीं 2cos इनवर्स x होता है, क्या होता है 2cos इनवर्स x, तब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, और नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो अगर तुम इस बात को समझ पाते हो कि cos इनवर्स 2x² - 1 क्या लिखेंगे इसको, ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स x, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। du बाई डी एक्स अगर तुम्हारा दिल कर रहा है पूरा पूरा लिखने का तो ठीक है, हालांकि आंसर तक तो हमने टिक कर ही दिया है, तो कितना हो जाएगा 2/(-1 - x²) है कि नहीं। cos इनवर्स x का यहाँ पे dv बाई डी एक्स कर दोगे आप, ये कितना आ जाएगा -(1/(-1 - x²) होगा कि नहीं, और डिवाइड कीजिएगा इन दोनों को तो काम हो जाएगा कि नहीं बताइए। माइनस माइनस चला गया, बचा क्या 2। ठीक है, इतने आसानी से हमें इसको कर लेना चाहिए था। आई थिंक इसमें एक सवाल और है, आइए तेजी से इसको करते हैं। लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, क्या पूछ रहे हैं, dy by dx। अरे यार क्या ही करना है बताओ, dy by dx पूछ रहे हैं। हाँ, एक इसमें गड़बड़ी है, यहाँ पे r लिखा है, यहाँ x लिखा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे x ही तो होना चाहिए, है ना, r तो नहीं होना चाहिए ना। आई होप कुछ इसमें लिखने में इन्होंने गलती की होगी और यहाँ पे x ही होना चाहिए। देख लेते हैं आप, लेट्स डू इट। सो डी वाई बाई, लेकिन यहाँ r के फॉर्म में दे रखा है आगे, क्या किया जाए, चलो r के फॉर्म में लेके देखते हैं, टेंशन नहीं। आओ आओ, लेट्स डू इट, करते हैं आराम से, कोई बात नहीं। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ dy बाई डी आर निकालते हैं पहले, ठीक है। क्या निकालते हैं, dy बाई डी आर निकालते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये आ जा रहा है मेरे पास 4r³, तो सिर्फ r³ बच जाएगा, ठीक है, सिर्फ r³ बच जाएगा। और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ dr बाई डी एक्स, क्या देखता हूँ बच्चों, dr बाई डी एक्स। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा और मेरे पास बचेगा 2x², ठीक है। अब क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए और जो ओरिजिनल डेफिनेशन है इसमें ये बात इन्होंने बड़े सॉलिड तरीके से दी है कि dy बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एक्स कर दो तो बात बन जाती है कि नहीं। देखो ना, दे रखा है तो बहुत टेंशन क्यों ले, वैल्यू रख देते हैं ना। तो dy बाई डी आर कितना है, dy बाई डी आर है हमारे पास r³ और डी आर बाई डी एक्स कितना है 2x², ठीक है 2x²। ओके, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम x में तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो जब x में एक्सप्रेस करेंगे तो इस जो वैल्यू है ना r³ इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू रखना चाहूँगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, 2/3x³ + 5 इसका क्या होल³ इंटू कितना 2x²। ओके, अब सोचना है क्या ये हमारे पास ये सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, है ना, 2x² हो गया। और यहाँ देखो सब जगह पे 3 एलसीएम दिया, तो ये 3 अगर एलसीएम लेकर करोगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, है ना। और इस 3 को बाहर निकालोगे तो कितना देगा तुम्हें, 27 देगा। तो 2x² / 27 और 2x² + 15 का होल क्यूब परफेक्टली सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें आर जो लिखा है, ऐसी बात भी अगर कभी आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें रिलैक्स होकर के इसको करना है। इफ यू अंडरस्टैंड इट क्विकली गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं।